से जहां पर भी कैसे भी खड़े हो हर वक्त मोटिवेट हो जाऊं मैं। एक तो डेडलिफ्ट वाले व्लॉग में देखा था मेरे काफी पुराने, दूसरा शेरू क्लासिक में देखा था, तो आप लोग काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैं सोचा आपको मिलवा ही देता हूं। यहां पर लिफ्ट बंद हो चुकी है और लिफ्ट के मिस्त्री आ गए। तुम लोग नहीं मानोगे क्या? ए साइड बैठो तो चलो भाई। पलंग के नीचे इसका अलग से अपना घर है एक, जिधर सब कुछ फसा के रखता है। ले जाता थोड़ा वहीं ले जाता, कुछ भी चीज ले जाता उसी के अंदर रख लेता। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। वैसे मैं आनंद की पाठशाला के टॉपिक में लेने वाला था इसको, तो उसी में ले लेते हैं, बट शुरुआत में आपको बता देता हूँ क्योंकि मोटिवेशन से रिलेटेड बात है और सुबह उठकर सबसे पहले हमें वही चाहिए होता है, कुछ जो भी काम करने वाले हैं हम लोग उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एक भाई का कोई कॉमेंट आया था कि भाई कुछ ऐसी बात बता दो मुझको जिससे जहाँ पर भी कैसे भी खड़े हो, ऐसा कुछ कॉमेंट था कि हर वक्त मोटिवेट हो जाऊँ मैं। कॉमेंट पढ़ लेता हूँ ना उन भाई का। हाँ, तो वो ये कमेंट था कि भाई कोई ऐसी बात बता दो जो लाइफ लॉन्ग हर सिचुएशन में हम वहाँ पर हर एक चीज़ में काम आए, जिसे याद करके पूरी तरह से सोचना और मोटिवेशन एकदम से बूस्ट हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको आपकी फैमिली की सिचुएशन, आपके माँ बाप कितना काम करते हैं आपके लिए, कितनी मेहनत से आपको पाला पोसा, किस तरीके से आपको आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती, तो फिर इसके अलावा क्या चीज़ मोटिवेट करेगी यार। मतलब जब भी मैं लाइफ में ऐसा हो जाता हूँ ना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, मैं केवल अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लेता हूँ और वहीं से जो बूस्ट मिलता है वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है। आपको एक और सीक्रेट चीज बता देता हूँ, हमेशा मोटिवेशन के पीछे मत भागो। जो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है, आगे बढ़ता है ना, वो इंसान नहीं होता जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। वो इंसान होता है वो तब भी काम करता है जब वो मोटिवेटेड नहीं होता है। डिसिप्लिन यहाँ पर काम आता है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप विदाउट पर्पस काम करोगे ना तो आप रुक जाओगे, क्या ही करना है, लेकिन पर्पस के साथ में काम करोगे ना, एक गोल के साथ में कि मुझे इतने टाइम में चीज अचीव करनी ही है, तब आप मोटिवेशन के साथ साथ वो डिसिप्लिन पे ज्यादा काम करोगे। मैंने जो सीरीज देखी ना इंडियन प्रीडिएटर, उसमें जिन जिन लोगों ने वो देखी है ना वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, जो द बुचर ऑफ दिल्ली है सीरीज, उसमें ना उस इंसान ने बहुत सारे लोगों को मारा होता है और इस तरीके से मारता है, तिहाड़ जेल के पास में फेंक देता है उनको, पता ही नहीं चल पाता कि वो कौन लोग हैं। इन दी एंड जब जिन लोगों को गया था उन लोगों की परिवार वालों के इंटरव्यूज वगैरह लिए गए ना, तो पता चला था कि कितना परेशान थे वो, बार बार पुलिस स्टेशन में जाते थे, परेशान होते थे, कितनी सारी चीजें, मतलब कि वो उनका जो बच्चा था जिसको मारा गया था वो बोल रहा था कि मेरे को पापा से मिलवा दो, इतना परेशान होता था वो। और इन दी एंड जब स्टेटमेंट दिया जा रहा था पुलिस का, तो वो यही बता रहे थे कि ये मतलब उन लोगों का परिवार वाले या जो भी थे, उन लोगों की न्यूज सामने इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो लोग एक ऊंची फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो लोगों के ऊंची फैमिली में संबंधित थे। मतलब कितना अजीब बात है ना कि किसी इंसान जिसके किसी ऊपर कॉन्टेक्ट होते हैं या फिर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उन लोगों के लिए पुलिस वगैरह या कहीं से भी कुछ भी चीजें करवाना कितना आसान होता है, लेकिन वही इंसान जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, घर की स्थितियां सही नहीं होती जिस इंसान की, कोई बहुत ही ऐसे जगह से बिलोंग करता है जहां पर फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल है, वो उधर के लोगों की नहीं सुनता कोई ज्यादा। रियली सैड बट सच बात यही है। जब भी मैं कोई भी ऐसे नेटफ्लिक्स पर या अमेजोन प्राइम पर कोई ऐसी सीरीज देखता हूँ ना जो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है, तो अच्छा लगता है, देख के इंटरेस्ट आता है, बट रोंगटे तब खड़े होते हैं जब किसी के साथ में बहुत बुरा हुआ होता है ना, और ये रियलाइज होता है कि उस चीज को किसी इंसान ने अपने सामने, आंखों के सामने इस चीज को फेस किया है, जिस वजह से उस पर वो मूवी बन रही है। उस इंसान पे क्या बीती हुई होगी, उसके परिवार पे क्या बीती होती है, तो वो चीज काफी ज्यादा ऐसे शॉक में ला देती है। मतलब मेरे को तो ये बहुत ऐसा लग जाता है, अजीब सा लग जाता है, आप में से कितने लोगों को लगता है आप बताना, बट मेरे को तो बहुत ज्यादा ऐसे अजीब सा लग जाता है जब भी मैं रियलाइज करता हूँ ना कि शिट ये चीज एक्चुअल में किसी ने फील की है। जितना इजी पोजिंग लगती है ना उतनी होती नहीं, जरा सी मैं 12 बज जाती है कॉन्ट्रैक्ट करे रहने पर, क्रैम्प लगाते हैं। Somebody like me. यहाँ पे लिफ्ट बंद हो चुकी है और लिफ्ट के मिस्त्री आ गए। लिफ्ट के मिस्त्री चल रही भाई, वकांडा फॉरएवर। ये देख रहा है बिनोद। अभी यहाँ से डिकैथलन जाना है, बट पहले आपको किसी से मिलवाता हूँ। हाय हाय,
तो गाइज मीट शुभांगी, आपने एक तो डेडलिफ्ट वाले व्लॉग में देखा था मेरे काफी पुराने, दूसरा शेरू क्लासिक में देखा था, तो आप लोग काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैं सोचा आपको मिलवा ही देता हूँ। एंड अभी हम लोग डिकैथलन जा रहे हैं, बट टाइम हो चुका है 8:30-9 बजे बंद हो जाएगा और यहाँ से 24 मिनट्स दूर है, तो बंद ना हो। हाँ, लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि जब मैं आनंद की पाठशाला में वो टी शर्ट पहना हुआ था, तो आप लोगों को भी पसंद आई थी, और उस टी शर्ट को देख के जिम में भी अरविंद भाई को पसंद आ गई, तो मैं सोचा कि मेरे को दूसरा कलर उसका लेना ही लेना था, तो जाकर देख कर आता हूँ एक बार। हाँ, चल सकते हैं, चल। ऐसे और लेट ही हो जाएंगे। सोनिया कैमरा है ब्रो, सोनिया कैमरा हर जगह लाइट देता है। लाइट ऑन करनी तो कर सकते। नहीं नहीं, अरे हर जगह देखना, बिल्कुल फपकारे मार रहा होगा। इतना ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है जब तक पहुँचेंगे ना तब तक बंद हो जाएगा। लोगों ने ट्राई किया होगा तो इसीलिए। तो टी शर्ट ले ली, एक्चुअली एक अरविंद भाई को भी लेनी थी, उनको मेरी देख के पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा मैं लेकर आ जाऊँगा। और मुझे अपने लिए एक वाइट कलर की टी शर्ट और लेनी थी, बट वो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर डाल दिया है, वो 3-4 दिन के अंदर आ जाएगी। सो गाइज, आज की आनंद की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि संडे है तो पाठशाला की छुट्टी है, हम कल पाठशाला में आएंगे, और आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग। व्लॉग पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करके जरूर बताना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मन में आ रहा है कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस। Outro.